विचार किया करिए आप लोग। बहुत समस्या हमने देखा फील्ड में घूमते घूमते, किसान भाई कहते हैं कि हमारा आलू मर रहा है, मतलब कि पौधा आलू हमने रोप दिया, पौधा निकलने के बाद आलू चलता हफ्ते से 10 दिन बाद मर जाता है, अचानक जर्मिनेशन पूरा नहीं होता, ये समस्या होती है। और एक दूसरा होती है पाला वाला जो हमने बताया। तो गाइज हम लोग आए हैं आज अपना दुकान, बीज का दुकान, और यहाँ पे जो है आज मीटिंग चल रहा है किसान से संबंधित अपने समस्याओं को रखने के लिए। तो चलिए आज मीटिंग में देखते हैं क्या क्या होता है और किस तरह का जानकारी आप लोगों को मिलता है। तो वीडियो में बने रहे, चलिए मीटिंग की ओर चलते हैं। जो किसान भाई आलू लगाने जा रहे हैं या फिर आलू जो लगा लिए उनके लिए बताएंगे, जो आलू लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए बीज उपचार किया करिए। बहुत समस्या हमने देखा फील्ड में घूमते घूमते, किसान भाई कहते हैं कि हमारा आलू मर रहा है, मतलब कि पौधा आलू हमने रोप दिया, पौधा निकलने के बाद आलू चलता हफ्ते से 10 दिन बाद मर जाता है, अचानक जर्मिनेशन पूरा नहीं होता, ये समस्या होती है। और एक दूसरा होती है पाला वाला जो हमने बताया। दो समस्या आलू में मेन, एक जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होता नहीं है तो पौधा मर जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप आलू लगाए बीज उपचार के साथ लगाए। बीज उपचार के लिए बायोग्राफ साइंस का आपको या बेटर लाइफ फार्मिंग सेंटर में आपको एक दवाई मिलेगी एमएसटो प्राइम के नाम से। एमएसटो प्राइम स्पेशली हमारा आलू के लिए ही, वो किसी और फसल में हम उसको नहीं बोलते, सिर्फ आलू में बोलते हैं कि आप एमएसटो प्राइम से आलू, अच्छा आलू यहाँ पे काट के लगाते हैं खड़ा लगाते तो क्या करिएगा, एमएसटो प्राइम से बीज उपचार करना है। अब जो खासकर सब्जियों की बहुत मात्रा में सीड्स बीज तैयार करती है जिसका उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। तीसरा हो जाता है हमारा यारा, आप यारा के बारे में भलीभांति जानते हैं कि यारा फर्टिलाइजर बहुत नामी कंपनी है और इसका उपयोग बहुत सारे किसान भाई करते हैं और ये बहुत उपयोगी है। बाकी जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके कंपेयर में ये बहुत खरी उतरती है और जहां पर भी किसान भाई एमएसटो प्राइम का फायदा बताऊंगा, एमएसटो प्राइम का यूज कब करना है और एमएसटो प्राइम है, एमएसटो प्राइम का इस्तेमाल आपको जब आप आलू मार्केट से खरीद के लाते हैं उसके बाद क्या करना है कि 100 ml का जो आता है, 100 ml का पैक जो आता है वो 964 किलो आलू होता है। ये बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने की हम बात करें तो 2 कट्टा आलू मतलब 90 से 100 किलो आलू में 12 ml मिल जाए, ठीक है। वहां पर इसका बेस्ट रिजल्ट वो पा रहे हैं और धीरे धीरे इसका मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है। आने वाले समय में ये बाकी अपने सबसे जितने भी इनके कंपनी उसको करना कैसे है, या तो आप आलू को बोरे पे बिछा लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए कि 2 कट्टा आलू हमने बोरे पे बिछा लिया, 12 ml दवाई को उतने ही पानी में हम घोल बनाएंगे जितना पानी 2 कट्टा आलू में स्प्रे हो गया, ठीक है। उसके बाद घोल बना लिए, आलू को बोरे पे फैला दिए, उसके बाद स्प्रे कर दिए, स्प्रे करके 10 मिनट हम छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद जब सोख लेगा दवाई तो आलू को हिला देंगे, उससे क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और फिर एक बार स्प्रे कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है किसी बड़े कंटेनर में, चाहे बाल्टी हो गया चाहे बड़ा एरिया हो गया, उसमें पानी का घोल बना लें और आलू को डुबो के निकाल लेना। तो ये दो तरीके से आप बीज उपचार कर सकते हैं। इससे आपको फायदा यह होगा कि मिट्टी मतलब जीवाणु जनित जो बीमारी लगती है पौधे में, जो मिट्टी में कीड़े होने की वजह से लगती है, चाहे वायरस की वजह से लगती है, जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं वो बीमारी नहीं लगेगी, वो कीड़े नहीं लगेंगे। पहला, जर्मिनेशन परफेक्ट होगा और पौधा मरने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो एक तो एमएसटो प्राइम की हम बात बता दिए। एमएसटो प्राइम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है ना कि मार्केट में आप लोग आलू बेचने ले आते हैं तो किन्हीं का आलू 10 रुपया बिकता होगा, किन्हीं का 8 रुपया, किन्हीं का 9 रुपया, किन्हीं का 12 रुपया, एक रेट नहीं होता। एमएसटो प्राइम का सबसे बड़ा फायदा होता है आलू जब भी आप बेचने जाएंगे तो आलू का रेट डिसाइड होता है साइनिंग पे, क्वालिटी पे, उसका साइज कैसा है इस पे। एमएसटो प्राइम का ये भी एक बेनिफिट है, आलू को बैठाता बहुत बढ़िया है और उसकी साइनिंग और ग्रेडिंग, इसको साइज बोलते हैं,
वो भी लगभग लगभग मेंटेन करता है। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को बताएंगे कि आप अपने आलू के फसल में एमएसटी प्राइम का इस्तेमाल करिए। उसके बाद जब दिसंबर का महीना आ जाए, जब आपको लगे कि नहीं अब आलू में ठंडी ज्यादा पड़ रहा है, आलू में पाला का अटैक आएगा, तो पाला से बचने के लिए बायर की एक दवाई आपकी है इनफिनिटो। ठीक है, इनफिनिटो आपको 3 ml एक लीटर पानी में डालना है और स्प्रे करना है। इनफिनिटो का फायदा यह होगा कि पाला झुलसा रोग आपके फसल में नहीं आने देगा। एक चीज और हम बताएं, अच्छा किसान वो नहीं होते जो बीमारी आने के बाद दवाई इस्तेमाल करते, क्योंकि बीमारी आने के बाद आप दवाई इस्तेमाल करेंगे तो रिकवरी नहीं होगी, मतलब जितना नुकसान होना है वो तो हो गया, कंट्रोल हो जाएगा, आगे से नुकसान नहीं होगा। तो अच्छा किसान वो है जो मालूम हो कि भाई दिसंबर आने वाला 15 तारीख आलू की फसल लगाए हैं, पाला तो पड़ेगा ही, हम पहले से लाके दवाई इस्तेमाल कर ले, तो बीमारी नहीं आएगा। उसके अलावा ये दो चीजें जो किसान भाई नाम नहीं आता एमएसटी प्राइम बीज उपचार के लिए, इनफिनिटो झुलसा और पाला रोग के लिए, वो यहाँ पे रहेंगे, नाम लिखवा लेंगे पर्ची पे दवाई का। क्योंकि होता क्या है ना, आप किसान भाइयों को हमने बताया, आपने सुना, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जरूरत तो आज पड़ेगी नहीं, जरूरत पड़ेगा 10 दिन 15 दिन 2 महीने बाद। उस समय फिर आप याद करेंगे, यार मीटिंग में गए थे, दवाई तो बताया था लेकिन याद ही नहीं। तो इसलिए पर्ची लिखवा के रख लेंगे, जब जरूरत आएगा उस समय आप पूछिएगा, खोल के देखिएगा तो याद रहा है, पर्ची लिखवाना, हाँ पर्ची लिखवा लीजिएगा। नहीं तो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका हम बताते हैं, बायर की दवाई क्या होती है ना, बायर की दवाई का नाम अंग्रेजी में होता है एमएसटोप्राइम, किसान भाई को याद रहता है, इन्फिनिटो नहीं याद रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको एक ही चीज याद रखना है, बायर, बायर को याद रहेगा, 3 अक्षर का नाम है, बायर याद रहेगा, बायर याद रखिए जब भी दुकान। अच्छा होता क्या है ना कि जब आप लोग दुकान पे जाते, इसीलिए हम लोग जगह जगह BLF सेंटर खोल रहे हैं। BLF सेंटर का मतलब हमारा पूरा ऑनरशिप, ये पूरा बायर का, यहाँ पे ना किसान भाई के साथ धोखाधड़ी होना ना उनको, मार्केट में क्या होता है आपको बताइए। तो गाइस मीटिंग समाप्त हो गया है और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कितने फायदे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं।